अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। कांग्रेस हुकूमत ने एक कैबिनेट मीटिंग रखी जिसमें दो अहम फैसले लिए गए, एक 500 रुपए में जो गैस का स्कीम है वो, और दूसरा 200 यूनिट बिजली फ्री। तो TS के गाड़ियां ऑलरेडी व्हीकल चल रहे हैं और AP के जो गाड़ियां थे उसको TS कर दिया गया था, अब TS से TG आएगा। तो इसके लिए ये जैसा इसका लागू होगा तो आवाम में इसमें किस कसम की बेचैनी, और आवाम से बात की है, आइए बात सुनते हैं। सर आपका नाम? रोहित। रोहित जी, ये बताइए कि हाल ही में AP से TS हो गए, TS से अब TG आई है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जितने भी व्हीकल हैदराबाद में चल रहे हैं और TS यानी तेलंगाना स्टेट थी, अब TG आएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ऐसा हो गया कि हर गवर्नमेंट आएंगी, नए नए स्कीम्स लगा देंगी वो ना। पहले BRS गवर्नमेंट आई, पहले AP था, AP से TS करे, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। TS से अब TG बोले तो मैं आम आदमी के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अगर पुराने व्हीकल्स रहेंगे तो उसको भी वो इम्प्लीमेंट रहेगा या न्यू व्हीकल को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर नए व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट करें वेल एंड गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट पुराने व्हीकल्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये तो पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत TS रहना या TG रहना, मतलब इसे आवाम से आवाम को क्या तकलीफ है और आवाम क्या चाहेंगे कि 2024 के बाद जो व्हीकल्स आए वो ज़रूरी है या फिर उसको TS ही रहने जाए या TG करें? अब ये तो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि अगर अब नई गवर्नमेंट, आवाम क्या चाह रही है? आवाम तो चाह रही कि जो चल रहा है वही चलने दीजिए। अब नए गवर्नमेंट आएंगे, अब कल के दिन खुदा ना सा खास्ता अगर कांग्रेस नहीं आई नेक्स्ट इलेक्शन में तो फिर अब BRS आएंगी तो फिर BRS वाले फिर TGS करेंगे क्या? वो तो प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। जैसा जो स्कीम चल रही है चलने दीजिए, वो उसको कुछ भी नहीं करना है आप। तो दोस्तों ये देखा कि आवाम कुछ चेंज नहीं चाह रही है, जो है वो TS को TS ही रहने दे जाए, 2024 के बाद जो अगर व्हीकल्स आ रहे हैं उसे TG करने की ज़रूरत है अगर हुकूमत चाह रही तो, लेकिन आवाम इससे खुश नहीं है। मैं तकी रहमान, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। ये तेलंगाना में अब नया हुआ कि कांग्रेस बोल रही है कि TS हटा दो, TG लगा दो, जो पहले कांग्रेस स्कीम थी उस पर ही अभी फॉलो नहीं करी। पहले गैस के लाइन में लगो, फिर वो स्कीमों के लाइन में लगे, अब RTO के लाइन में लगो, TS हटाओ, TG लगाओ। उसकी सूरत ही क्या है, तेलंगाना स्टेट ही है, बस है, पहले आप जो स्कीमों का वादा किए उस पर तो पूरा करो। अभी ये फ्री औरतों का अभी निकाल दिए, उसमें औरतें भर जा रही है, लड़ ले रहे, न्यूज़ों में आ रहा है, फिर अब तेलंगाना स्टेट हटा के TG लगाओ कहते, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी वो भी बोल रहे हैं जो स्कीम पहले दिए लाइट के ऊपर, गैस के ऊपर और पेंशन के ऊपर, वो तो पहले कंप्लीट करो। ये कांग्रेस नए नए रूल लगा के आवाम को परेशान कर रही है, हर जगह सिर्फ लाइन में ही लगना है। जब से कांग्रेस बनी सिर्फ लोग लाइन में ही है, हर जगह काम धंधे छोड़ के यही करना पड़ रहा है।